क्या आप भी फ्रीलांसिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन काम कर रहे हैं और जो आपकी पेमेंट्स हैं उनको रिसीव करने के लिए पायनियर का इस्तेमाल करते हैं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि या तो आपकी पेमेंट स्टक हो जाती है या फिर कोई इस तरह का मसला आ जाता है कि जिसका हल आपको कोई बंदा नहीं बताता। तो उस चीज़ को सिर्फ जो पायनियर सपोर्ट वाले हैं वही हैंडल कर सकते हैं और वही आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि जो आपकी पेमेंट है वो क्यों स्टक हुई है या जो आपका अकाउंट है उसके साथ ये इशू क्यों आया है। तो इसके लिए आपको पायनियर सपोर्ट के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो जो आज की वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप पायनियर के सपोर्ट के साथ किस तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो टाइम स्लॉट है, क्योंकि वो हर टाइम अवेलेबल नहीं होते, तो कौन सा ऐसा टाइम स्लॉट है जिसमें वो अवेलेबल होते हैं, जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करें तो आपको इमीडिएटली ही रिप्लाई आएगा और जो आपका मसला है वो हल हो सकता है। माई नेम इज़ मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू माई चैनल। मैं अपने चैनल पे फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क, ऑनलाइन अर्निंग और इससे रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सकें और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले पायनियर जो आपका अकाउंट है उसके अंदर लॉगिन कर लेना है और जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह जो आपका डैशबोर्ड है, जो होम है, उसके राइट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट आर कस्टमर केयर टीम। तो आपने यहाँ पे नीचे लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज हो जाएगा, उसके अंदर ये डिफरेंट आगे जो है ना हेडिंग्स होंगे। तो इसमें से आपने देख लेना है कि जो आपकी क्यूरी है, जो आपका मसला है, वो किसके साथ बेस्ट मैच करता है। मेरा जो मसला है वो रिसीविंग पेमेंट से रिलेटेड है, मतलब पेमेंट मुझे रिसीव हुई थी उसमें मुझे कुछ इशू हो रहा है, तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। तो रिसीव पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर आपने ऐसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोबारा ये आपको कुछ ऑप्शंस देगा, क्योंकि ये ट्राई करते हैं कि जो मसला है वो यहीं पे आपका हल हो जाए, मतलब आपको जो कस्टमर सपोर्ट वाला बंदा है उससे बात करनी ना पड़े। तो आपने भी बस जितने ऑप्शंस मैच हो रहे हैं उनको आपने क्लिक करते रहना है। तो आप यहाँ पे रिसीविंग अकाउंट से रिलेटेड मेरा जो मसला है वो ज्यादा मैच कर रहा है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसमें कोई इशू नहीं, अगर वो चीज़ मैच ना भी कर रही हो तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। अब यहाँ पे दोबारा कुछ क्वेश्चन आ गए तो मैं इसमें से ये वाला कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए मेन चीज़ ये है कि आपने जस्ट सेलेक्ट करना है और इस पॉइंट पे आना है जहाँ पे इनके पास जो आंसर हैं, जो प्री डिफाइंड आंसर हैं या जो FAQs हैं वो खत्म हो जाए। अब यहाँ पे इसने बोला डिडंट फाइंड योर आंसर, जी बिल्कुल, हमें जो हमारा जवाब है वो नहीं मिला। तो अब ये कह रहा है कॉन्टेक्ट अस। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में हमें जो है ना लाइव चैट जो है ना वो ऑप्शन देंगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सेंड मैसेज, मतलब या तो ईमेल के थ्रू हम इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फिर है कॉल अस, ठीक है। कॉल अस में क्या होता है कि आप कॉल कर सकते हैं, अगर आप इन डिफरेंट कंट्रीज से हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, लेकिन लाइव चैट वाला जो ऑप्शन है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें यह है कि जो एजेंट है वो आपको रिप्लाई कर देता है और आपका जो मसला है वो इमीडिएटली ही हल हो जाता है। अब इसमें देखें यहाँ पे जो मेन चीज जो देखने वाली है वो है मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 7 PM, मतलब ये टाइम, इस टाइम के दौरान आपने इनसे चैट करनी है, वरना ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर लोग फ्रीलांसर होते हैं या रात के टाइम कॉन्टेक्ट करते हैं 7 बजे के बाद, तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पे लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि आपको इस चीज़ का देखना है कि ये आपको पहले कुछ प्री डिफाइंड जो आंसर हैं वो आपको ये देंगे। अब जैसा यहाँ पे सबसे पहले मैसेज आएगा, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने इनके साथ जो है ना वो कांटेक्ट किया था जस्ट टू चेक। तो देखें उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि ये बॉट है, ये जो यहाँ पे आप राइट साइड पर देखेंगे ये बॉट है और ये आपको प्री डिफाइंड आंसर्स देगा। तो आपने बस यही करना है कि यहाँ पे भी आप डिफरेंट सेलेक्ट करते रहें, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो आपको कहेगा कि अब आप जो है ना ये देखें यहाँ मैंने एडिशनल सर्विसेज किया, फिर उसने बोला, फिर उसने मुझे एक और ऑप्शन दिया, तो मैंने अनदर क्वेश्चन किया, मतलब हमने क्वेश्चन को स्किप करना है और लास्ट में ये बोलेगा कि स्पीक टू अ स्पेशलिस्ट, ठीक है। जब ये बोले कि अब आपका जो रब्ता है वो मैं स्पेशलिस्ट के साथ करवा रहा हूँ, तो फिर आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर समझ कर थैंक यू फॉर फीडबैक, आई एम नाउ कनेक्टिंग यू टू वन ऑफ आर स्पेशलिस्ट हु विल असिस्ट यू, ठीक है ना। इसके बाद ये आपको उसके साथ कनेक्ट करवा देगा और वो आपसे पूछेगा भाई मसला अपना बताएं, तो आपने मसला इंग्लिश में अपना बताना है डायरेक्ट, भाई ये हमारा इशू है, और उसके ऊपर फिर वो आपका इशू हल हो जाएगा। होप आपको समझ आ गई होगी कि आपने पायनियर से किस तरह कॉन्टैक्ट करना है, किस टाइम कॉन्टैक्ट करना है और आपने उनसे क्या बात करनी है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई कंफ्यूजन है, या तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या तो फिर आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको टाइमली रिप्लाई करूँगा और जो आपका मसला है उसको हल करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह का फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कॉन्टेंट टाइमली मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।